आज हम महिला सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक के बारे में जो प्रथम खंड दिया हुआ है सिलेबस में, प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य दिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, पोषण जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, इसके अलावा स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम दिए हुए हैं, छठवां दिया हुआ है कुपोषण, ठीक है, और इसके अलावा समान बीमारियां भी इसमें पूछी जाएंगी। और यह टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा, 55 अंक का पूछा जाएगा और यह प्रथम खंड है। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया है पोषण एवं स्वास्थ्य, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए आप, पोषण एवं स्वास्थ्य, तो पोषण एवं स्वास्थ्य जो है, तो इसमें जो स्वास्थ्य है इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। और यदि हम परिभाषा की बात करें तो WHO के अनुसार व्यक्ति तब स्वास्थ्य माना जाता है जब वह अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, यानी उसका शारीरिक रूप से कोई भी प्रकार का विकार ना हो, मानसिक मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी हो, सामाजिक यानी जिस वातावरण में, समाज परिवेश में वह रहता है उसका उसके ऊपर बुरा तो प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बारे में भी यदि बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होती है और व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है, ठीक है, यानी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से यदि स्वस्थ है तो उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। पोषण न्यूट्रिशन, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका अवशोषण होना, फिर उसका जैविक कार्यों में उपयोग होना ही क्या कहलाता है, पोषण। अर्थात वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषण या न्यूट्रेंट या तत्व तो कहते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि होते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक ही था हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य। यहाँ पर हमने स्वास्थ्य की परिभाषा देख ली और किसकी परिभाषा देख ली, पोषण की परिभाषा देख ली, और पोषण में जो तत्व आते हैं प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि मूल तत्व के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वनस्पति से प्राप्त भोजन यानी प्लांट्स फूड, तो इसके अंतर्गत अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, तो इसमें आता है मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा, अंडा आदि आता है, यानी ये पशुओं से प्राप्त होता है। और ये किससे प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अब यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है माइक्रो यानी अल्प पोषक तत्व, दूसरा होता है मैक्रो या दीर्घ पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं यानी मिलीग्राम में खाते हैं, और मैक्रो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम अधिक मात्रा या ग्राम में खाते हैं। तो दोस्तों इसके आगे का हम बाद में बताते हैं, तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।